हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोगों का एडमिशन कब तक होगा। वैसे कहा गया था कि 1 जुलाई से न्यू सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के कारण थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अब तो एग्जाम भी खत्म हो गया है, फिर भी आप लोगों का अभी तक न्यू एडमिशन नहीं हुआ है। कब होगा, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप TC कैसे निकाल सकते हैं। साथ में काफी कमेंट आ रहा था जब मैं वीडियो अपलोड किया ड्रेस कोड को लेकर Class 1 से Class 8 तक, तो Class 9, 10, 11, 12 वालों का ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडमिशन को लेकर। देखिए, टेक्निकली अभी तक शुरू हो जाना चाहिए एडमिशन, लेकिन बिना रिजल्ट का एडमिशन लेना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए आई थिंक एडमिशन नहीं हो रहा है, रिजल्ट आएगा। और वैसे तो कहा गया था कि बिना TC का भी एडमिशन हो जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप TC निकालिएगा, उसके बाद TC दे दीजिएगा। इस तरीके से अपडेट था, इस तरीके से न्यूज में कहा गया था, लेकिन जैसा न्यूज में कहा गया था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। झारखंड है भाई, कुछ भी, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो खैर, एडमिशन के लिए टेंशन मत लीजिए, एडमिशन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एडमिशन आई थिंक होगा। अगर उससे पहले हो जाता है तो ठीक है। एक्चुअली एडमिशन लेना हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। एडमिशन जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा जब तब तक एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए जब एडमिशन का टाइम आएगा, यानी कि जब जैक बोर्ड खुद कहेगा कि हाँ एडमिशन आप ले लीजिए, उस वक्त एडमिशन लिया जाएगा। तो इंतजार कीजिए जब जैक खुद ऑफिशियली लिख कर देगा कि हाँ एडमिशन लीजिए बिना रिजल्ट का, तभी एडमिशन होगा। और रही बात TC का, तो TC देखिए रिजल्ट आने के बाद ही TC एक्चुअली दिया जाएगा, ठीक है। और बिना TC के अगर कहीं पर एडमिशन हो रहा है तो अच्छी बात है, एडमिशन ले लीजिए, और जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट के बेसिस पर TC बनता है, तो उसके बाद फिर आप जहां भी एडमिशन लीजिएगा वहां पर TC दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। TC के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको कि TC मुझे चाहिए करके, तो आपको TC आराम से मिल जाएगा। और छोटे छोटे बच्चों का तो उतना भी आई थिंक नहीं करना पड़ता है, पेरेंट्स एंड टीचर खुद एप्लीकेशन वगैरह लिखकर सबमिट कर देते हैं। और रही बात Class 8, 9, 10, 11, 12 का, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा TC निकालने के लिए। और रही बात ड्रेस कोड का, ठीक है, Class 9, 10, 11, 12 का ड्रेस कोड कैसा रहेगा, तो देखिए जो लेटर आया हुआ था जैक के तरफ से, वो लेटर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए Class 1 से 5 तक के लिए तो ड्रेस कोड है, 6 से 8 तक के लिए भी ड्रेस कोड है, 9 से 12 तक के लिए भी ड्रेस कोड है, बट यहाँ पर बॉयज का देखिए ब्लैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन गर्ल्स का यहाँ पर बालिका का आप देख सकते हैं, Class 9 से 12 तक बालिका यानी कि गर्ल्स का जो ड्रेस कोड है वो सलवार एवं दुपट्टा है हरा रंग का, और वहीं पर कुर्ता जो है वो हरा सफेद चेक के तथा हरे कॉलर सहित, जैसे गर्ल्स का है ऊपर 1 से 5 तक तो चलिए ब्लाउज है, बट 6 से 8 तक जिस तरीके से है कुर्ता, उसी तरीके से Class 9 से 12 तक का भी रहेगा, ठीक है। हरा सफेद चेक वाला कपड़ा रहेगा और हरा कलर का कॉलर रहेगा, तो यही है। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि Class 9 से 12 तक जनरली सब स्कूल में अलग अलग ड्रेस कोड चलता है, तो आई डोंट थिंक कि ये फॉलो होने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी होगा कहीं कहीं पर, बट मेजोरिटी है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक स्कूल का अलग अलग ड्रेस कोड होता है, आप लोगों को पता है, बट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है 1 से 8 तक, ये तो सेम ही है, थोड़ा सा भी अलग नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो सेम ही रहेगा, Class 1 से 8 तक डिट्टो सेम रहेगा, गवर्नमेंट स्कूल का बात कर रहा हूं मैं, और फिर प्राइवेट का तो अलग अलग रहता है कोई भी क्लास का हो, ठीक है। और यहाँ पर Class 10 से 12 तक बेसिकली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये सेम ही गवर्नमेंट होता है Class 9 से 12 तक, तो इसीलिए यहाँ पर भी स्कूल का ही ड्रेस कोड चलेगा, और स्कूल हर एक स्कूल का अलग अलग अपना अपना ड्रेस कोड होता है। तो यही था आप लोगों का ड्रेस कोड, बॉयज का तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बस गर्ल्स का मेंशन है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।